सोशल मीडिया का आज के इस ज़माने में कोई विश्वास नहीं है। कभी व्हाट्सएप हैक होता है तो कभी फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी सुरक्षित नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि फेसबुक का 53 करोड़ यूज़र का डेटा चोरी हुआ है, जिसमें तकरीबन भारत के 60 लाख यूज़र का डेटा चोरी हुआ है। अगर आप फेसबुक यूज़र हैं तो सावधान हो जाइएगा और चेक करिएगा अपना डेटा। नमस्कार, मैं हूँ योगेशकांत और आप देख रहे हो खबर एक्सपर्ट। बड़ी खबर यह है कि यूज़र का डेटा अब कहीं भी सुरक्षित नहीं है। खबर आ रही है कि फेसबुक के 53 करोड़ यूज़र्स से ज़्यादा यूज़र्स का डेटा लीक हो गया है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इस डेटा का इस्तेमाल यूज़र के बैंक खातों में सेंधमारी के लिए हो सकता है। भारत में फेसबुक यूज़ करने वाले यूज़र का भी डेटा लीक हुआ है। 53 करोड़ से ज़्यादा यूज़र का डेटा लीक हुआ है। एक वेबसाइट beggar.in के मुताबिक दुनिया के 533 मिलियन यानी 53.3 करोड़ यूज़र्स का डेटा लीक हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 106 देशों में फेसबुक यूज़र इससे प्रभावित हुए हैं। साइबर क्राइम इंटेलिजेंस कंपनी हडसन रॉक के चीफ टेक्निकल ऑफिसर एलन गेल के अनुसार फेसबुक के लगभग 53.3 करोड़ यूज़र का डेटा लीक हुआ है। जानकारी देने के लिए एलन ने एक ट्वीट भी किया है। भारत के लगभग 60 लाख फेसबुक यूज़र का डेटा लीक हुआ है। जानकारी के मुताबिक भारत में फेसबुक यूज़ करने वाले लगभग 6 मिलियन यानी 60 लाख यूज़र का भी डेटा लीक हो गया है। लेकिन ये जानेंगे कि इस डेटा चोरी होने में कौन सी जानकारियां लीक हुई हैं। फेसबुक यूज़ करने वाले लोगों का फ़ोन नंबर, फेसबुक आईडी, लोकेशन, जन्मतिथि और पूरा नाम भी लीक हो गया है। यहाँ तक कि लोगों का ईमेल एड्रेस भी लीक हुआ है। अमेरिका और इंग्लैंड के यूज़र्स सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए, उसी के साथ साथ भारत के भी लोग प्रभावित होंगे। जानकारी के अनुसार हैकर ने अमेरिका और इंग्लैंड के यूज़र को सबसे ज़्यादा निशाना बनाया है और अमेरिका के 32 मिलियन यानी 3.20 करोड़ यूज़र और इंग्लैंड के 11 मिलियन यानी लगभग 1.10 करोड़ यूज़र्स को निशाना बनाया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक फेसबुक की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन इस डेटा चोरी के खेल में भारत सरकार और भारत की जनता को जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो जो देश डेटा को चोरी करेगा वही पूरे विश्व पर राज करेगा, क्योंकि आपकी लोकेशन ट्रैक होगी और आपके रहन सहन की प्रक्रिया पर भी प्रभाव पड़ेगा और भी बड़ी बड़ी परेशानियां आपको आएंगी। सरकार को इस पर सोचना चाहिए और कुछ न कुछ करना चाहिए। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्या आपका बिजनेस नहीं चल रहा? क्या आपके पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा? तो घबराइए मत, टोमिंडर ऐप आपको रोजगार की 100% गारंटी देता है, साथ ही सर्विस भी, वो भी घर बैठे। अगर आप किसी प्रकार के सर्विसमैन हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, फ्रिज रिपेयरर, एसी रिपेयरर, वॉशिंग मशीन रिपेयरर, मैकेनिक वगैरह, तो आप टोमिंडर ऐप में सर्विस प्रोवाइडर में रजिस्टर हो जाइए और उसके बाद आप भी पैसा कमाइए, वो भी हर बुकिंग पर। तो डाउनलोड कीजिए अभी टोमिंडर ऐप। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सर्विसेज की आवश्यकता हो तो यूज एज कस्टमर में लॉगिन कीजिए और घर बैठे पाएं हर प्रकार की सर्विसेज। तो सही है ना, टोमिंडर रोजगार भी और सेवा भी। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए टोमिंडर ऐप।